मिट्टी कुमार के लिए, सोना सुनार के लिए, नफरत से की नजर तो ये सोना भी खाक है, दिल की निगाह से देखा तो ये मिट्टी भी पाक है। हाय प्रवेश, व्हाट्सएप ग्रुप। बस यार, एक रिंग बनाने का सोच रहा था। कल 10 फरवरी है ना? ओह नाइस, वर्ल्ड मूवी डे। कुछ बना? नहीं यार, कुछ खास नहीं। चल फोन उठा, रील बनाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो आर्ट है। एक सच्चा आर्टिस्ट वही होता है जो सोसाइटी के लिए कुछ करे, और कुछ नहीं तो एक उम्मीद दिला सके, एक ख्वाब दिखा सके। वेरी गुड यार, तुमने तो बड़ा अच्छा बोल दिया। अब मैं इसको पोस्ट करता हूं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। हाँ, एक सच्चा आर्टिस्ट वही होता है जो सोसाइटी के लिए कुछ करे, और कुछ नहीं तो एक उम्मीद दिला सके, एक ख्वाब दिखा सके, एक ख्वाब दिखा सके, एक ख्वाब दिखा सके। साहिल मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरा एक मशवरा मानो, अपनी किसी अच्छी सी कोस्टार के साथ ना शादी कर लो। बंदिश मेरे दोस्त, मेरे जितने भी कोस्टार हैं उन्होंने दो दो तीन तीन शादियां कर चुके हैं। भाई एक बात होता है, जब तक तुम ऐसी कॉफी पिलाते रहोगे ना, तुम्हारी बीवी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि मेरी बीवी को मुझसे और मेरे इश्क से कोई सरोकार नहीं है। जब तक मेरे साथ रहेगी, इस कॉफी की वजह से रहेगी। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि तुम भी मेरी दोस्ती इस कॉफी की वजह से निभा रहे हो। हाँ नहीं यार, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। रख इसे, मैं कहता हूँ रख इसे, तुम्हें इज्जत रास नहीं है, मजाक कर रहा था। अरे रुकिए, अरे वाह वाह, मेरे ख्याल से तो इस हफ्ते जनाब का कोई शूट नहीं है। फिर इतना स्थाई दर्ज के कहाँ चल रही है जनाब? A new friend invited me. A new friend? By the way, ये कहाँ से मिली न्यू फ्रेंड? FB से? कितनी दफा कहा है कि अपने लिए एक मैनेजर रख ले, सोशल मीडिया को खुद हैंडल करना नुकसान का बाइस बन सकता है, पर जनाब है कि सुनते ही नहीं।
किससे मिलना है किससे नहीं, क्या कहना है क्या नहीं। साहिल अगर मैनेजर रख लेगा तो साहिल साहिल ही रहेगा, कुछ और बन जाएगा। अच्छा जी चले अब जा ही रहे हैं तो विश यू गुड लक। न्यू फ्रेंड अच्छा वैसे। तुम्हें यकीन था कि मैं आऊंगा? नहीं था। हाँ एक उम्मीद जरूर थी जो तुमने दिलाई थी साहिब। घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं थी। और अब तुम हो। तुम थी? कुछ समझा नहीं। पहले इस घर में मैं थी, अब तुम आ गए ना, तो हर तरफ तुम ही तुम हो। मेरे साथ डांस करोगी? यस। साहिल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर ना कहा तो दम घुट जाएगा मेरा। कहो क्या कहना चाहती हो? I love you. तुम कुछ नहीं कहोगे? कोई बात, मैंने कह दिया था, मुझे कह दिया दिया था, मैंने कह दिया मेरे लिए पीछे बोला। सावन मुझे कुछ कुछ पूरी सरार सी लगती हो। पूरी सरार कहाँ जनाब, हम तो आपके परस्तार हैं। क्या अकेली रहती है? आगा पीछा कोई नहीं? वही कहाँ रहती है क्या करती है? कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि ये मेरे जैसी है। उससे मिलकर मजा है कि पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो ठीक है भाई,
तुम अपने आप से मिलते रहो, लेकिन मुझे उससे मिलके ना थोड़ी छानबीन कर लेने दो। नील गंगू, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे प्रपोज कर दूं। साहिल, हेस्ट मेक्स वेस्ट। कोई वेस्ट टाइम नहीं है। कब प्रपोज कर रहे हो? आज। आज ही? आज ही प्रपोज कर। सुमन, एक दिन भी जब्त ना हो सका सुमन, यूं लगा कि आज ही कह दूं, ना कहा तो तुम कुछ चाहेगा मेरा। साहिल, सुमन, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुमन, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर बात क्या है, कोई उलझन? एक बात है साहिल, छुपाई रखी तो गलत हो जाएगा, और अगर बता दी तो डर है सब कुछ खत्म हो जाएगा। डरो मत सुमन, मुझसे कहो क्या बात है। साहिल, सुमन, तुम्हारी सुमन जिससे तुम शादी करना चाहते हो, वो एक शीमेल है। ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है साहिल, हमारे दरमियान प्यार हो सकता है, हम इसी प्यार के सारी जिंदगी गुजारेंगे। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोला है तुमने मुझे, धोखा दिया तुमने मुझे। अपनी प्रोफाइल पर लिखा है कि मैं एक लड़की हूँ, और क्या लिखती? वो लिखती जो हकीकत है। खुल गई मेरी हकीकत साहिल? नहीं, तुम्हारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। तुमने उससे झूठ बोला, उससे मोहब्बत है, शादी करना चाहते हो, ये झूठ नहीं है। मेरी माँ अपने मर्द से मार खाती थी, लेकिन फिर भी मुझे मर्द ही देखना चाहती थी। मैं बन गई सुमन, लेकिन आज तुमने सुमन को सुमन से वजन कर दिए। कुदरत ने जो तुम्हें बनाया था, तुझे उससे नफरत होने लगी, तू सुमन बन गई, तो आप इससे भी नफरत होने लगी। इन नफरतों के बीच में तुम मोहब्बत पे उम्मीद कैसे लगा सकती हो? क्या उम्मीद लगाना जुर्म है? क्या ख्वाब देखने गुनाह है? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ कर सकती तो अपना वजूद, अपनी फितरत बदल लेती। इंसान की फितरत ब्लैक बोर्ड पर लिखी इबारत की तरह नहीं होती, जिसे जब चाहक मिटाकर एक नई तरीर निकली। Thank you.
साहिद भाई, कहा था तुमसे किस जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, फिर आ गया तो? मैं नहीं, आप आए हैं मेरे घर पे। आया नहीं हूं, तुमने मजबूर कर दिया मुझे आने के लिए। और हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई साहिल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की? आप क्या कह रहे हैं भाई? अरे मत कहो मुझे भाई। जब मुझसे रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, तो आप क्यों जताने आए हो? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ, तुम्हारा ये वजूद मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। दो सुहेल। सुहेल नहीं, सुमन हूँ मैं, सुमन। तुम जो भी हो, अभी ये शहर, ये मुल्क छोड़कर दफा हो जाओ। ना जाऊं तो क्या करोगे? देखो, मुझे ताश मत दिलाओ। तो आज दिखा दो, तुम्हें खुदा ने मर्द बनाया है, तो मर्द ताश में आके क्या करता है? तुम्हारी ये जुर्रत। बताता हूं तुम्हें, एक मर्द जब ताश में आता ना, तो वो क्या करता है? ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? साहिल, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। अरे वो तो सुहेल था ही नहीं, वो तो सुमन थी, सुमन। अनुष, सुमन कहाँ है? यहाँ है। तुमने इसको मार दिया? नहीं साहिल, नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम उसे जिंदा देखना भी नहीं चाहते थे? अरे मैं भाई था उसका। भाई था तुम्हारा? हाँ भाई था। आज बंगेश ने बंगेश को मार दिया। बंगेश ने बंगेश को मार दिया? काश इस बात का एहसास तुम्हें तब होता जब तूने उसको घर से निकाल दिया था। तब पूछते, तब सोचते। उसकी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में खून है, जिस पर तुम इतराते फिरते हो। तुम मर्द बनकर पैदा हुए तो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं था, या इसका जिसकी तुमने जान ले ली? क्या इसे पूछा गया था ये किस जेंस में पैदा हुई? क्या मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा जेंडर चेंज कर तुमसे कहा जाए कि तुम एक दिन के लिए इस मुआशरे में सीना तान कर चलो? तुम एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे। मैं बहुत जल्दी करते संभाला। मैंने तुम्हें फोन पर भी कहा था, हम अच्छे अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं,
तुम एक बहादुर लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई लव यू वेरी मच। तुम्हें यहां देखकर मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं तड़प रहा हूं। किसने अपनी अनाप की खातिर तुम्हारा मर्डर कर दिया? ये मुआशरे को क्या मुंह दिखाता कि तुम उसके भाई हो या बहन हो? इसकी वजह से तुम्हें जान से मार दिया। सुमन, मुझे माफ कर दो और तुम भी मुझे माफ कर दो। तुमने एक मासूम का कत्ल किया है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मर्द हो या औरत हो या ट्रांसजेंडर, आखिर इंसान तो इंसान ही होता है। सुमन, तुम कहती थी ना, सयोनी मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, सयोनी मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, तुम कहती थी ना। साहिल, तुम आ गए? हाँ सुमन, सुमन मैं आ गया हूँ। अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये लोग मुझे मार देंगे। कोई नहीं तुम्हें मारेगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सुमन, मैं हूं ना। सुमन, 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 तुम्हारा।